મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠા નામતની માંગને લઈને આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. મહારાષ્ટ્ર પોલીસે રાજ્યમાં ચાલી રહેલા આંદોલનને ઉશ્કેરવા બદલ મોટી સંખ્યામાં આંદોલનકારીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે અને તેમની ધરપકડ કરી છે. તો આપને જણાવી દઈએ કે બુધવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મીડિયાને માહિતી આપતી વખતે મહારાષ્ટ્રના ડીજીપી રજનીશ શેઠે કહ્યું કે મરાઠા અનામતને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રદર્શન થયા હતા. પ્રદર્શન દરમિયાન કેટલાક દેખાવો હિંસક પણ બન્યું અને સરકારી મિલકતોને નુકસાન થયું છે. આ મામલામાં મહારાષ્ટ્રના ડીજીપી શેઠે કહ્યું કે 29 થી 31 ઓક્ટોબરની વચ્ચે સંભાજીનગરમાં 54 કેસ નોંધાયા હતા અને 106ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બીડમાં આઈપીસીની કલમ 307 હેઠળ 7 વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ જિલ્લામાં પ્રતિબંધિત આદેશો લાદવામાં આવ્યા છે અને ઇન્ટરનેટ સેવા સ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. जगह महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेके महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए हैं. कुछ आंदोलन शांति से हुए हैं और कुछ आंदोलन हिंसक हुए हैं. महाराष्ट्र में अलग अलग जो ठिकान पे कायदा का उल्लंघन किया गया ऐसे आंदोलन व कुछ जगह सार्वजनिक मालमत्ता का जो नुकसान किया गया है ऐसे जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस उन्होंने गुनाह दाखिल किए हैं और आरोपी को अटक किया है. अभी तक संभाजीनगर परिक्षेत्र में 29 से 31 अक्टूबर तक 54 गुनाह दाखिल हैं और उसमें 106 आरोपी को अटक किया है और बीड डिस्ट्रिक्ट में उसमें से 20 ऐसे गुनाह हैं दाखिल हैं और बीड में 307 आईपीसी कलम के तहत 7 गुने दाखिल हैं. अभी बीड शहर में प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू है और इंटरनेट सुविधा टेम्पररी बेसिस पे संभाजीनगर ग्रामीण बीड और जालना में बंद है. महाराष्ट्र में 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक 141 ऑफेंसेस दाखिल हैं, उसमें से 168 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और 146 एक्यूज को सीआरपीसी 41 के में नोटिस दी गई है और पूरे महाराष्ट्र में अंदाजे 12 करोड़ का जो सार्वजनिक मालमत्ता पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है. जिन यूनिट्स को एडिशनल मैनपावर चाहिए थी उनको हमने एडिशनल मैनपावर दी है. 17 कंपनीज ऑफ एसआरपीएफ अभी डिप्लॉयड हैं. इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी बीड डिस्ट्रिक्ट में आ गई है और होमगार्ड 7000 होमगार्ड्स भी डिप्लॉयड हैं. कायदा का जो उल्लंघन करेंगे और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे उन पे ऐसे असामाजिक तत्वों पर पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेके महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे आंदोलन हुए हैं. कुछ आंदोलन शांति से हुए हैं और कुछ आंदोलन हिंसक हुए हैं. महाराष्ट्र में अलग अलग जो ठिकान पे कायदा का उल्लंघन किया गया ऐसे आंदोलन व कुछ जगह सार्वजनिक मालमत्ता का जो नुकसान किया गया है ऐसे जगहों पर महाराष्ट्र